खड़का रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ है, पैर जो है तो वो नाकाम हो गया। इस हादसे को जिम्मेदार मैं मानता हूँ पुलिस प्रशासन को, व्यापारी वर्ग को और स्कूल मैनेजमेंट को। भंगार का एक ट्रक वो रास्ते में एंट्री करता है तो ये किसकी परवानगी से? ये हादसा आज हुआ, कल और होगा। के अलावा बीजेड स्कूल का जो मैनेजमेंट है वो भी इसके ज़िम्मेदार है कुछ हद तक। सारे अपने अपने नगर सेवकों के गाड़ियाँ बेशिस्त पार्किंग। भुसावल शहर के मोहम्मद अली रोड खड़का रोड जेजे इलेक्ट्रिक शॉप के सामने रोड दुर्घटना में शहर की एक सुप्रसिद्ध स्कूल का छात्र घायल होने की घटना आज 14 दिसंबर 2023 को दोपहर करीब 2:30 बजे सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार मोहम्मद कासिम जफर उम्र 16 वर्ष मुस्लिम कॉलोनी निवासी बीजेड स्कूल 8 क्लास का छात्र दोपहर की खाना खाने की छुट्टी में घर जा रहा था कि रजा टावर के करीब आशिक खान के भांगार गोदाम के भांगार की ट्रक MH04BU3572 भर के काटा करने के लिए खड़का रोड से खड़का चौफुली की ओर जा रही थी कि खड़का रोड पर स्थित जेजे इलेक्ट्रिक शॉप के सामने स्कूल छात्र ट्रक के पहिए के नीचे आ गया, जिससे उसके पैर के पंजे पर से ट्रक के टायर चल गए, जिससे स्कूल छात्र बुरी तरह घायल हो गया है। वहीं दुर्घटना को देख मौके पर के नागरिकों ने छात्र को एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया है। कल दोपहर 2 बजे के करीब मेरे भतीजे का खड़का रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ है, वो लड़का ट्रक के नीचे आ गया। अल्लाह का ये करम है कि वो बाल बाल बच गया, लेकिन मेरे बच्चे का पैर जो है तो वो नाकाम हो गया। बच्चा आ कैसे रहा था? 2 बजे उसकी स्कूल की छुट्टी हुई, बहुत सारे बच्चे स्कूल से निकले थे, साइकिल पर वो चल रहा था और इसी बीच पीछे से एक लोडेड फुल लोडेड भंगार का ट्रक बड़ी अच्छी अपने हाईवे के अंदाज में चले आ रहा था, बड़ी ज़ोर से हॉर्न बजाते हुए। इसमें वो बच्चा टकराया और गिरा। गिरने के बाद लगभग लोग तो वहाँ मौजूद थे, वहाँ से मुझे किसी का फ़ोन भी आया कि आप आओ, हम दवाखाने में ले जा रहे, और लोगों ने उसको दवाखाने तक पहुँचाया। मैं उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे बच्चे को वक्त पे दवाखाने पहुँचाया। और विशेष करके बच्चे ने ये बताया दवाखाने में कि वहाँ पर एक आंटी थे, गैर मुस्लिम, एक नॉन मुस्लिम लेडी, उन्होंने उठा के उसको दवाखाने तक पहुँचाया। मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने वक्त पे पहुँचाया। हाँ, इस हादसे को जिम्मेदार मैं मानता हूँ पुलिस प्रशासन को, व्यापारी वर्ग को और स्कूल मैनेजमेंट को, क्योंकि खड़का चौपुल्ली से लेके रजा टावर तक का जो रास्ता है, बस्ती का इलाका है, सर्विस रोड है, और इतने ही इलाके में तकरीबन 7 स्कूलें हैं वहाँ पर, प्राइमरी से लेके जूनियर कॉलेज तक। वसंती भाई महाजन प्राइमरी हाई स्कूल, अलीरा प्राइमरी हाई स्कूल, रजा हुसैन प्राइमरी हाई स्कूल, बीजेड उर्दू हाई स्कूल, मौलाना आज़ाद उर्दू हाई स्कूल, उसामा जूनियर कॉलेज, MI तेली इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल, मतलब इंग्लिश, मराठी, उर्दू, इस तरह के हर मीडियम के वहाँ पर स्कूलें हैं। और सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे तक लगभग 5,000 से 7,000 तक के बच्चे रोज़ाना स्कूलों में आते जाते, कोई पैदल आता, साइकिल से आता, अपने अपने तरीके से आते, काफ़ी दूर से भी आते। और ऐसे वक्त में दिन दहाड़े दोपहर के 2 बजे बच्चों के स्कूल की छुट्टी के वक्त एक फुल्ली लोडेड भंगार का एक ट्रक वो रास्ते में एंट्री करता है तो ये किसकी परवानगी से, किसकी परवानगी से ये चल रहा? किसी का इसकी तरफ तवज्जो नहीं है। ये हादसा आज हुआ, कल और होगा, इसकी तरफ तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, ये बातें व्यापारी वर्ग को भी समझना चाहिए कि उन्होंने कौन से वक्त में अपने गाड़ियाँ बुलानी चाहिए, कौन से वक्त में इसको निकालनी चाहिए। इसके अलावा बीजेड स्कूल का जो मैनेजमेंट है वो भी इसके ज़िम्मेदार है कुछ हद तक, कि बच्चों को वो 2 बजे से आधे घंटे की छुट्टी देते खाना खाने के लिए, टिफ़िन लाने को मना करते। बच्चे 2 किलोमीटर दूर, 1.5 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर दूर से आते, मेरा बच्चा खुद 2 किलोमीटर दूर से आता।
अब आधे घंटे में बच्चे को आना जाना और खाना खाना है, ऐसी हालत में बच्चा कैसे चलेगा? ये बात गौर करने के लायक है। इसके अलावा वो रास्ते पर के जो अतिक्रमण है वो भी बहुत काबिल तारीफ है। सारे अपने अपने नगर सेवकों के गाड़ियाँ, बेशिस्त पार्किंग, दुकानें रास्ते में खड़ी हुई, किसी के भी बस नगर सेवक का आदमी है तो कुछ भी बेचेगा कुछ भी करेगा, किसी की इसकी तरफ तवज्जो नहीं। इसलिए इन सब बातों पे गौर होना बहुत ज़रूरी है, वरना ऐसे हादसे होते रहेंगे और आज बच्चे की जान तो बच गई, कल किसी बच्चे की जान भी जा सकती है।